हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज मरोठी, चेयरमैन राजस्थान ऑर्थोप्लास्टिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विच इज़ कॉल्ड रेस। एंड वी हैव सिक्स ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड थ्री एसोसिएट सर्जन्स। सो अराउंड वी हैव डन मोर देन 15,000 नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। एंड आई इन्वेंटेड आर टू आर टेक्निक। सो वॉट इज़ आर टू आर टेक्निक? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट द आर टू आर। सो आर टू आर इज़ ए यूनिक एंड ए न्यूअर टेक्निक एंड इन विच वी आर कटिंग वेरी लेस बोन इन द नी। सो इट्स ए नट सेल, आई से इट्स ए बोन प्रिजर्विंग सर्जरी। हड्डी को कम छील काटा जाता है, जस्ट छील के उसके ऊपर कैप लगाया जाता है और इसमें प्रीमियम इम्प्लांट यूज होता है। और आजकल जो नई टेक्निक है उसके अंदर हम कई बार एक कंपार्टमेंट डैमेज है तो उसी कंपार्टमेंट को रीसरफेस कर देते हैं, उसे पार्शियल नी भी बोलते हैं। आर टू आर में बोन प्रिजर्विंग के साथ साथ कमर में एपिड्यूरल नहीं लगाना पड़ता, टूर्निकेट नहीं लगाना पड़ता, ब्लड लॉस बहुत कम होता है क्योंकि सर्जिकल टाइम काफ़ी कम है। आपकी सर्जरी 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर नो स्टेपल्स, नो सूचर्स, टांके नहीं लगाए जाते हैं तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल नहीं होता है। सो वी कैन एज्यूम कि एक अपने को कांटा भी चुभा रह जाए तो कितना पेनफुल होता है। तो स्टेपल्स अपने लिए बहुत पेनफुल है, टूर्निकेट हमारे लिए बहुत पेनफुल था। तो पेशेंट को डिफॉर्मिटी करेक्शन के साथ साथ ज़्यादा वरी होती है कि ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जब मैं अमेरिका में था तो डॉक्टर राणावत के साथ में ट्रेनिंग लिया और राणावत कॉकटेल यूज़ किया। 2009 से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल नहीं होता। राणावत कॉकटेल हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। सो इन सब को मिला के हमने इस टेक्निक का नाम दिया आर टू आर टेक्निक। और इस टेक्निक में मूवमेंट अच्छा आ जाता है, पेशेंट पलाथी मार के भी बैठ सकता है और एनेस्थीसिया टाइम इतना कम रहता है तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस रेट लाइक इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम है इस टेक्निक में। और इस टेक्निक को हमने हमारे रेस के साथ में रजिस्टर्ड कर रखा है। थैंक यू।